नमस्कार, फेरि समाचार में अपने सबगोटी के स्वागत है। हम सपना कर समाचार शुरू करी। सरकार प्रति विरोध स्वरूप केस मुंडन कैल गए मुख्य प्रश्न से। आर्थिक सहाय के न्याय के लिए काठमांडू मैत्री घर में धरना में बैसल हिंकर परिवार के सदस्य सब सरकार व्यवस्था के ने कहित अ के विरोध में केस मुंडन केने सैनि। शाह के परिवार के सदस्य विरोध प्रदर्शन के लिए 85 दिन बीतलाक बाद सरकार से कोनो वास्ता नहीं भकब व्यवस्था कैल गए कहित शुक्र दिन केस मुंडन कहित विरोध केने सैनि। आरती शाह के परिवार के लिए इस सरकार मर चुकल आय आ हिंदू धर्म अनुसार मरल व्यक्ति के लोके श्राद्ध कर परम्परा रहन वह अनुसार केस मुंडन कैल गए धरना में बैसल एक गोटे सदस्य जिक्र कल। धनसा नगरायन 8 खिलखिरिया निवासी 25 बरकत शाह के दहेजक कारण परिवार से हत्या कैल गए नैहर पक्ष के दावी रहल निकल। नैहर पक्ष घटना के सत्य तथ्य एवं निष्पक्ष छानबीन कर परत मांग रखित बीतल 85 दिन से मैत्री घर मंडला में लगातार 24 घंटा धरना में बैसल सैन। सप्तरी में एक गोटे युवक के बेवारिश अवस्था में लाश भेटल। सप्तरी कंचनरूप नगर पालिका 11 सुंदरी नदी किनार में बगल में शरीर में कोनो कपड़ा नहीं रहल अवस्था में युवक के लाश भेटल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी दिलक। तराई वासी जेहन देखल गेल करीब 19-20 वर्ष के युवक के शनाख्त होब अखन नहीं सकल। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपेक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी देने सही संगे अ संबंध में थप अनुसंधान भ रहा जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी दिलक। मध्य प्रदेश के सन 2030 धरि में बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाव लक्ष्य सहित अगाड़ी बढ़न मध्य प्रदेश सरकार आन लागल। बाल विवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा संबंधी कार्यविधि 2080 के मसौदा ऊपर छलफल कल। मध्य प्रदेश राजधानी जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन आयोजित कार्यविधि ऊपर सरोकार वाला के राय सुझाव सहित परामर्श कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री महेश प्रसाद यादव प्रदेश में बाल विवाह समस्या अंत्य के लिए योजनाबद्ध रूप में कामकाज कर कार्यविधि संग सहयोग हेत विश्वास व्यक्त कलन। वार्ड स्तर से स्थानीय सरकार आ सरोकार वाला के सक्रिय बनाकर बाल विवाह रोक पर उद्देश्य सहित मस्यौदा आनल गेल आ तीनों तरह के सरकार के समन्वयात्मक रूप में अगाड़ी बढ़ सहयोग करत हिंकर कहब सल। मंत्री यादव महिला ओपन हुई तय सब प्रकार के हिंसा रोकथाम तथा महिला के स्वास्थ्य शिक्षा में पहुँच तथा गुणस्तरीय जीवन के लिए बाल विवाह अंत्य कर जरूरी रहल समेत जिक्र कलन। शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के सचिव लक्ष्मी प्रसाद भट्टराय बाल विवाह के निरुत्साहित कर सरकार बाल विवाह अंत्य के लिए 10 वर्ष रणनीति 2079 आन चुकल आब कार्यविधि से अके मूर्त रूप देल जात जिक्र कलन। अ संगे प्रदेश बाल अधिकार एन 2077 सारभूत लैंगिक समानता नीति 2078 बाल सहभागिता संबंधी कार्यविधि 2078 आ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत बाल विवाह न्यूनीकरण कुपोषण युक्त प्रदेश बनाब आ दलित शिक्षा अभियान अंतर्गत बालिका के अनुदान देव नीति अख्तियार कैल गेल संगे बालिका संरक्षण विधेयक प्रस्तावित अवस्था में समेत रहल। अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत तेसर देश संग व्यापारी संबंध विस्तार कर मोहतरी के जलेसर के मुख्य भंसार नाका में स्तोत्री करब अपने सकारात्मक अ प्रति रहल जिक्र कलन। काठमांडू में आए जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के ध्यान आकर्षण पत्र बुझत अर्थमंत्री डॉक्टर महत तेसर देश के समान आयात निर्यात पर तैयारी आ अखन के अवस्था के संबंध में थप जानकारी लग अही संबंधी प्रक्रिया आगा बढ़ाव प्रतिबद्धता जाहिर कने संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार महासेठ जानकारी देने सैन। जलेसर भंसार कार्यालय के अविलंब मुख्य भंसार कार्यालय में स्थानांतरीकरण नेपाल भारत दून के आवश्यक पूर्वाधार तैयार रह संबंध में अर्थ मंत्री के जानकारी करायल गए आ जवाब में संबंध निकाय संग थप छलफल क के आवश्यक काज कर प्रतिबद्धता जाहिर भेल अर्थ मंत्री के उद्धित करत महासेठ जिक्र कने सैन। भारत स्थित पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह से बरौनी समस्तीपुर सहरघाट पोत भिट्ठामोड जलेसर भंसार कार्यालय से बर्दिवास सिंधली काभ्रे पालन चौक भरतपुर काठमांडू धर के दूरी 8 से 81 किमी रहल में 238 किमी दूर छोटो संके कहब रहल है। संके सुझाव के ध्यान आकर्षण पत्र में कहल गेल जलेसर भंसार नाका से रौतहट सरलाही महतरी धमसा सिराहा सप्तरी गायघाट उदयपुर
रामेछाप, दोलखास, उंगली, काभ्रे पालन चौक, भरतपुर, ललितपुर, काठमांडू धैर्य माल सामान पठावो में मूल्य में अत्यधिक कमी आव सकला से महतरी के जलेश्वर भंसार कार्यालय के तीसर देश से माल सामान आयात निर्यात कर मुख्य नाका के रूप में स्थापित कर देव अनुरोध कल गल के साथ मध्य प्रदेश के राजधानी समेत रहल जनकपुर धाम में रेल सेवा संचालन भेला से ऐसा अधिकतम लाभ लेब जहन जनकपुर भंसार कार्यालय तथा जटही भंसार कार्यालय के स्तोत्री के लिए ध्यान आकर्षण करायल गया संघ के अध्यक्ष महासेठ जानकारी दिलन। ऐसे पहले तत्कालीन अर्थमंत्री रहल जनार्दन शर्मा आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट वक्तव्य में जनेश्वर में सुखा बंदरगाह निर्माण के लिए संभाव्यता अध्ययन करब घोषणा केने विषय में प्रतिनिधि मंडल अर्थमंत्री डॉक्टर महत के ध्यान आकर्षण करौने सर। जनेश्वर भंसार कार्यालय विक्रम सम्बत 2013 में स्थापना भेल सर। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड निजामती सेवा संबंधी विधेयक जल्दी संसद से पारित कल जाए जिक्र कने सही। विषम निजामती सेवा दिवस 2080 के अवसर में शुभ दिन सिंहदरबार में निजामती सेवा दिवस मूल समारोह के संबोधन करते प्रधानमंत्री प्रचंड मंत्रिपरिषद विधेयक सदन में पेश कर निर्णय कल गए उल्लेख करते राजनीतिक दर्शक की सहमति से संसद ई विधेयक यथाशक्य जल्दी पारित करते जिक्र कलन। ओ नया विधेयक में ट्रेड यूनियन के विद्यमान व्यवस्था आ अधिकार के कोनो परिवर्तन नहीं कल गया जानकारी से दिलन। प्रधानमंत्री प्रचंड देश के विषय परिस्थिति में राज्य संचालन से लक विकास निर्माण सेवा प्रवाह आ संक्रमणकालीन व्यवस्थापन में निजामती प्रशासन देने योगदान महत्वपूर्ण रहल से जिक्र कलन। राजनीतिक परिवर्तन के निमित्त संघर्ष कल गया जनता के शासन व्यवस्थापन में आयल परिवर्तन के लाभांश देव पर जिम्मेवारी आ चुनौती दुनू रहन हिंकर कहब सर। संघीय ओ गठबंधन दल सब के साझा न्यूनतम कार्यक्रम नेपाल सरकार के नीति तथा कार्यक्रम साथे चालू आर्थिक वर्ष के बजट के केन्द्र में रह कर काज कर सबके मुख्य जिम्मेवारी रहल से प्रश्न कलन। भूमिकालाई समेत आत्मसात गरी अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्था अनुरूप निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ। यसका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त, सेवामूलक, उत्तरदायी, व्यावसायिक निजी निजामती प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यवहारिक प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। उल्लेखित तथ्यलाई ध्यान दिँदै लामो समयदेखि प्रतीक्षारत संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक हिजो मात्रै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्ने विश्वास मैले लिएको छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भविष्यमै दण्ड आ पुरस्कारको व्यवस्थाकै ठोस रूपमै अगाडि बढाएर राष्ट्र आ जनताकै हितसँगै सेवामै समर्पित भएको कार्यक्षेत्रमै खट असल सक्षम आ कर्तव्य निश्चित कर्मचारीकै थप उत्प्रेरित कल जाए जिक्र कलन। कार्यक्रममै उत्कृष्ट कर्मचारी सबकै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुरस्कृत समिति केने छलै थियो। रौथट के दुर्गा भगवती गाँवपालिका वार्ड नंबर 3 देवी फरसा टोल में रहल राम जानकी मंदिर के पुजारी ऊपर बीतल रात संघातिक आक्रमण भेलै छ। बृहस्पति के रात करीब 11 बजे के समय में पुजारी साधु मिश्रीलाल शाह के अज्ञात व्यक्ति माथ पर ढेकर हथियार प्रहार कक फरार भेलै छ। साधु शाह के माथ में गहिर चोट लागल त पुजारी के इलाज दुर्गा भगवती गाँवपालिका वार्ड नंबर 1 पिपरा बाजार स्थित रहल बागमती हॉस्पिटल में भ रहल छ। माथ में टाका लगायल गेल तक हिंकर अवस्था हाल सामान्य देखल गेल छ। संगे अ घटना संबंध में अनुसंधान भ रहल जिला प्राधिकारी ने रौतहट जानकारी दिलक। वीरगंज महानगरपालिका बृहस्पति दिन थप दूटा कॉलेज में सीलबंदी कलक शैक्षिक संस्था के नियमन कर अनुगमन के क्रम में रहल अनुमति नहीं लक संचालन में रहल दूटा कॉलेज में महानगरपालिका सीलबंदी कलक। वीरगंज महानगरपालिका वडा नंबर 9 स्थित रहल सत्यम पब्लिक कॉलेज आ वीरगंज महानगरपालिका 8 स्थित रहल पर्सा मैनेजमेंट कॉलेज में महानगर सीलबंदी के ने महानगर द्वारा गठित नियमन समिति के संयोजक ईश्वर चंद्र राय जानकारी देने।
वीरगंज 8 पानी टंकी स्थित एंजल इंटरनेशनल स्कूल लेने कक्षा 11 और 12 संचालन के अनुमति के दुरुपयोग करित सत्यम कॉलेज के फर्जी नामे विद्यार्थी भर्ना कक पठन पठन कराब रहा भेटलाक बाद सीलबंदी कैल गए नियमन समिति के संयोजक रहल यादव जानकारी दिल। सत्यम कॉलेज रानीघाट स्थित शुभ तारा स्कूल रहन भवन में कक्षा संचालन कैल गए भेटल समिति ऐसे पहले मंगल दिन वीरगंज महानगर पालिका वडा नंबर 8 पानी टंकी में रहल प्रिंसटन मॉडल एकेडमी आ यूनिवर्सल प्लस टू कॉलेज में सीलबंदी केने से सोम दिन अन्नपूर्ण कॉलेज आ यूनिवर्सल एकेडमी में सीलबंदी कैल गए थे। ऐसे पहले वीरगंज स्कूल ऑफ लॉ इम्पेरियल कॉलेज आ बीजीबी किड्स में सीलबंद कैल गए। टुडे समाचार में आओ आर्थिक संबंधी समाचार। के दाम आय बढ़ल नेपाल सोन चाँदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आय सोन के दाम तोला के 300 रुपया से बढ़ कर 112,300 रुपया में कारोबार भ रहा है। संगे चांदी तोला के 5 रुपया से घटल चांदी आय तोला के 1,405 रुपया में कारोबार भ रहा महासंघ जानकारी दिलक। बेस तो पूरी समाचार अखन के लिए एतबा पूरे दोसर समाचार लग उपस्थित हो बेटा करब तक देर के लिए हम सपना कौर विदा मवे देखते रहिए टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।